जय शनिदेव। दर्शकों, आज का हमारा विषय है तुला राशि में केतु का गोचर। अभी 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में केतु देवता गोचर परिक्रमा में पहुंचेंगे। राहु और केतु की परिक्रमा एक ही दिन बदलती है। जो राहु की परिक्रमा या केतु की परिक्रमा किसी राशि पर से यात्रा करती है, उसे ज्योतिष की भाषा में गोचर परिक्रमा कहा जाता है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे अंधविश्वासों का खंडन करेंगे और बहुत सारी गलत फहमियों की सफाई करेंगे। राहु और केतु के विषय में जो बहुत अंधविश्वास और गलत फहमियां फैलाई गई हैं, अज्ञानता के कारण उनको बढ़ावा मिल रहा है, आज हम सही माने में एक अच्छी राष्ट्र निर्माता होने का कार्य करेंगे और अज्ञानता के साथ में ज्ञान का एक दीप जलाकर उस अज्ञान के अंधेरे को मिटाने की कोशिश करेंगे। तुला राशि जो सातवें नंबर की राशि होती है, तुला राशि जो शुक्र देवता उसके स्वामी होते हैं और शुक्र देवता की बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है। राशियां 12 होती हैं। 12 राशियों में जिस प्रकार से मेष राशि का नंबर पहला होता है, उसी प्रकार से वृषभ राशि का दूसरा, मिथुन का तीसरा, कर्क का चौथा, पांचवें नंबर की सिंह राशि, छठवें नंबर की कन्या और ये सातवें नंबर की तुला राशि कहलाती है। यही कारण है कि यह मेष राशि से सातवें घर पर आती है। यदि हम एक जन्म पत्रिका बनाएं जिसमें मेष राशि को लग्न में बिठाएं, तो ये सातवें स्थान पर तुला राशि आएगी। यदि आपका चंद्रमा 7 नंबर की तुला राशि पर है, तो इसका मतलब यह है कि अब वह समय आ गया है 12 अप्रैल 2022 के दिन सुबह 10:34 के आसपास, या अलग अलग समय थोड़ा भिन्न हो सकता है 32-34 पर, इस अवधि में यह प्रवेश अब आपकी राशि में होगा, जिसे हम केतु देवता की गोचर का परिक्रमा का प्रवेश कहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह वरदान कैसे बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी गलतफहमियां केतु की परिक्रमा को लेकर जो है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तुला राशि में जो केतु का प्रवेश होने जा रहा है, वो एक ही तुला राशि के एक जैसे लोगों को लिए अलग अलग असर देगा, अलग अलग लाभ दिखाएगा, नुकसान भी अलग प्रकार के होंगे। इसलिए हमें यह समझना है कि एक ही राशि सैकड़ों लोगों की होने पर भी अलग अलग इसके लाभ हानि और अलग अलग समय में कैसे होते हैं, और यह भी समझना है कि जैसे लोग गलत फहमियां फैलाते हैं कि केतु देवता यहां थे, यहां देख रहे थे, केतु की पांचवी दृष्टि थी, केतु की नवी दृष्टि थी, हम उसका भी खंडन कर रहे हैं। आप बताइए, किसी के सर नहीं है तो आंखें होंगी क्या? केतु के तो सर ही नहीं है, फिर यह कैसा प्रेडिक्शन है कि केतु यहां बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, केतु यहां बैठे हैं तो पांचवी दृष्टि से यहां देख रहे हैं, दसवीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं। दृष्टि होगी तो देखेंगे ना, जब वह धड़का हिस्सा है, जब उनको सर है ही नहीं, तो दृष्टि दी किसने और दृष्टि थी कहां? इसलिए सबसे बड़ा अंधविश्वास फैलाया अज्ञानतावश हमारे तथाकथित ज्योतिषों ने कि केतु यहां बैठते हैं, इसलिए यहां देखते हैं, इसलिए यहां देखते हैं, इसलिए इस जगह का नुकसान करते हैं।
तो याद रखिए कि केतु की कोई दृष्टि नहीं होती और केतु कहीं नहीं दिख सकते। जब कहीं देखते ही नहीं तो उस जगह का नुकसान व्यक्ति को कैसे भोगना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही खुशखबरी आपके लिए कि आप मत घबराइए कि आपके केतु तुला में बैठे हैं तो मेष को देख रहे हैं, या इधर की उधर की दृष्टि के बारे में आप काल्पनिक भय मत अपने मन में पालिए। एक धुरंधर ज्योतिषाचार्य ने, जो YouTube पर लंबे समय से धाक जमाकर अपने से प्रभावित लोगों को करते आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप समझ गए होंगे, उन्होंने लंबे समय से बताना चालू किया कि केतु देवता की पांचवी दृष्टि होती है, केतु देवता की नवी दृष्टि होती है। शायद उन्होंने जिंदगी में कभी भृगु संहिता देखी ही नहीं होगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। यदि उन्होंने कालिदास के ज्योतिष ग्रंथ को पढ़ा होता, फलित सीखा होता, तो शायद इस तरह से अज्ञानता फैलाकर ज्योतिष को बदनाम तो कभी नहीं करते थे। यही कारण है कि हमारी यह गुण रहस्य वाली विद्या अज्ञानता के कारण बदनाम होते चली जा रही है। नहीं तो यह तो वो हीरा है कि ज्योतिष में, भृगु संहिता में लिखे गए कथन के अनुसार कि जो व्यक्ति इसका जानकार होगा उस व्यक्ति की यहां लक्ष्मी खुद चल कर आएगी, पर सच्चा जानकार होगा तब। तो भृगु संहिता के अनुसार मैं जो आपको बताना चाह रही हूं कि केतु देवता का असर सिर्फ बैठने के स्थान पर ही होता है, कहीं देखने के स्थान पर कदापि नहीं। सिर्फ यही ग्रह वह हैं जिनको दृष्टि दोष नहीं लगता। दूसरा, यह वह ग्रह है जो कर्म फल दाता शनि की तरह आपके कर्मों का भोग कराते हैं। सिर्फ केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके प्रारब्ध है और आपके प्रारब्ध के अनुसार में आपके कर्मों को सुधारने का काम करते हैं, जो मोक्ष तक ले जाते हैं। इनको मोक्षकारी ग्रह कहा गया है, कल्याणकारी ग्रह कहा गया है। फिर यह अशुभ कैसे हो सकते हैं? हमने हमारे रिसर्च पर पाया है कि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का कल्याण करते हैं और उस स्थान का सुधार करते हैं। नुकसान तो करते हैं पर 25%, वह इसलिए कि दिमाग नहीं है ना, सिर्फ पैर है। तो उस स्थान से संबंधित निर्णय जब व्यक्ति बिना सोचे समझे लेता है, बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय हमेशा दुखदायी होता है, नुकसानदायक होता है। और जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर छोड़ो, जाने दो, उस स्थान को हटाने मिटाने का काम करते हैं, इसलिए भी वह 25% अशुभ माने गए हैं। पर शुभता की दृष्टि से जब जब जिस किसी की राशि पर भी केतु की परिक्रमा आती है, हाँ, तुला राशि वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि उस समय वह राशि वाले व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं और मेडिटेशन में बैठना, एकांत में रहना, अपने मोक्ष के बारे में सोचना, आध्यात्म का अध्ययन करना, आध्यात्म की रहस्यकारी विद्याओं के बारे में जानना और बहुत सारे ऐसे कर्मों को करना जो इसने जिंदगी में कभी किए ही नहीं होंगे, वह व्यक्ति अब करने में आनंद महसूस करता है। चाहे वो राष्ट्र की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, समाज की सेवा हो या कुछ कल्याणकारी योजनाएं हो। यह केतु का समय ही वह है कि जो व्यक्ति को पिंजरे से बाहर लेकर आता है, खूब यात्राएं कराता है और यात्राओं के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान अनुभव का आशीर्वाद देता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने दायरे से बाहर निकलेगा तभी वह व्यक्ति अपने निर्माण को सही तरीके से कर पाएगा।
तो केतु की परिक्रमा आपके लिए शुभ फलकारी ज्यादा है, अशुभ कम। तुला राशि के लिए एक ही राशि वाले अलग अलग प्रकार से लाभ हानि कैसे पाते हैं, इस गणित को समझिए। हमारी जो 12 राशियां होती हैं, हर राशि के अंदर में तीन तीन नक्षत्र होते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र के अंदर में चार ही चरण होते हैं, जबकि हमें एक राशि को 9 चरण देने होते हैं कि तीन नक्षत्र किसी न किसी रूप में एक राशि में आ जाया करते हैं। और तुला राशि के जो तीन नक्षत्र हैं, पहला है चित्रा नक्षत्र, दूसरा है स्वाति नक्षत्र और तीसरा है तुला राशि का विशाखा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र है। अब आपको देखना होगा, यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। आपको समझना होगा कि यदि चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका नक्षत्र जो चित्रा नक्षत्र है वो मंगल का है, और मंगल का नक्षत्र होने से मंगलवत केतु कहा गया है, तो स्वाभाविक है केतु के मित्र मंगल हैं और मंगल के जैसा व्यवहार केतु में देखा गया है, और केतु का संबंध मंगल से अच्छा बताने के नाम से उनके नक्षत्र चित्रा में वास करना उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपकी जानकारी के लिए हमें 18 महीनों को अब तीन नक्षत्रों में बांटना होता है। राहु की परिक्रमा हो या केतु की, 18 महीने की होती है। चित्र नक्षत्र जो मंगल का है, पहले के 6 माह चित्र नक्षत्र से केतु की परिक्रमा चलेगी। हम कहते हैं चित्र नक्षत्र से केतु देवता गोचर ले रहे हैं। दूसरे के 6 माह स्वाति नक्षत्र से परिक्रमा लेंगे, और तीसरे के जो 6 माह हैं वो विशाखा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो स्वाभाविक है यदि किसी का नक्षत्र चित्रा है तो उस समय उसके लिए प्रभावकारी ज्यादा, किसी का स्वाति है तो उस समय उसके लिए शुभ फलकारी ज्यादा, और किसी का नक्षत्र यदि विशाखा है तो उस समय उसके लिए शुभ फलकारी ज्यादा। इस तरीके से स्वर भानु राक्षस के दो भाग हो गए। ऐसा कहा है पौराणिक ग्रंथों में कि स्वर भानु के सर का पालन पोषण यानी राहु का पालन पोषण उनकी मां सेंका ने किया, यानी एक राक्षस वंश की एक राक्षस वृत्ति वाली महिला ने किया, और इधर केतु का जो पालन पोषण है या केतु का जो संरक्षण है वो ऋषियों ने दिया, ऋषियों ने किया उनका साथ, ऋषियों ने उनको आगे बढ़ाया। तो इनके अंदर केतु के अंदर आ गए ऋषि तुल्य गुण, तो हुए ना राहु से अलग। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि केतु और राहु दोनों एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। हमने बहुत रिसर्च पर देखा है कि द्वितीय स्थान पर केतु की परिक्रमा जब कभी भी आती है, या द्वितीय स्थान पर किसी की जन्म पत्रिका में केतु होते हैं, या आप यदि तुला वाले हैं और तुला राशि आपकी द्वितीय स्थान पर लिखी गई है, तो ये वरदान से कम नहीं होते, रंक से राजा बना देते हैं, आपके सारे सपने पूरे कर देते हैं, संपत्ति और धन यहां से ही देते हैं। तो इस तरीके से अपने पर्सनल रिसर्च के आधार पर मैंने अध्ययन किया कि केतु देवता, जो कि आज के समय में तुला राशि की परिक्रमा में गोचर में तुला राशि पर अपना असर देंगे, वो अपने बैठने का असर उस समय अशुभ फल देंगे जिस समय जिस भाव से वो उनको हम देखते हैं, तुला राशि कौन से भाव पर पड़ी है और उसके भाव पर तुला राशि के साथ उस भाव पर केतु देवता कहां पर पहुंच रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस भाव का नुकसान अधिक होगा। इसके अलावा उसके आसपास या उसके सामने किसी भी जगह रहे। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जितने भी ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि राहु की 5वीं दृष्टि होती है, तो राहु की 10वीं दृष्टि होती है, तो राहु की 9वीं दृष्टि होती है, और केतु की भी ऐसी दृष्टि होती है,
वह अज्ञानता से भरा हुआ प्रेडिक्शन है, क्योंकि कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो उन्होंने जहां से गलत किताबों से पढ़ा वहां से सीख लिया, और दो चार दस किताबें पढ़ने के बाद में एक नई किताब लिख ली या नए तरीके से उन्होंने अपना प्रेडिक्शन तैयार कर लिया। जबकि यह सब अपराध है। राहु को जब शनि वध कहा गया तो शनि की तो पांचवी दृष्टि होती ही नहीं, नवी दृष्टि होती ही नहीं, फिर शनि वध राहु को क्यों कहा गया? और राहु को शनि वध कहा गया है तो शनि की जो दृष्टि है वही राहु की दृष्टि मानी जाएगी, फिर राहु को अलग से कैसे दृष्टियां मिल जाएंगी? यह सवाल विद्वान ज्योतिषाचार्यों का है, उन अज्ञानी ज्योतिषाचार्यों से जो तरह तरह की दृष्टियां बताया करते हैं। बहुत दुख होता है इस विषय में कि हमारा ज्योतिष किस तरीके से अज्ञानतावश लोगों के लिए कम विश्वसनीय होता चला जा रहा है। राहु के बारे में अधिक जानकारी के लिए, केतु के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर अलग से सेपरेट वीडियो देखिए। शनि आश्रम औरंगाबाद की, हमारे शनि आश्रम की नक्षत्र वाटिका, शनि आश्रम की नवग्रह वाटिका के अंदर खड़े होकर एक एक ग्रह के पूरे डिटेल रिसर्च के आधार पर जो ज्ञानवर्धक वीडियो बनाए गए और लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करते हुए देखा, उसका लाभ जरूर लीजिए। आपको तुला राशि वालों को, जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, उनको चित्रा नक्षत्र के दिन अपने समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए उपचार करना है। पूरे 18 महीने में 18 बार ये चित्रा नक्षत्र आएगा, हर महीने में एक बार, पूरे 27 दिन के बाद ये नक्षत्र लौटता है। आप चाहें तो हर महीने कर लें। और इसके अलावा केतु के तीन नक्षत्र होते हैं, मघा, मूल, अश्वनी। आपको चाहिए कि यदि आप अपने नक्षत्र में उपाय करना चूक गए और आपको केतु का समय प्रारंभ से ही काल सर्प दोष के जैसा बना हुआ है, या केतु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उसके साथ साथ फिर केतु के नक्षत्रों को भी देखिए, मघा, मूल और अश्वनी को। इन तीनों नक्षत्रों में जो भी नक्षत्र आपको सुलभ सहज लगे, उस नक्षत्र के दिन भी आप केतु शांतु के उपाय कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके के उपाय आपको बताती हूं। हालांकि केतु के आगमन का प्रभाव 12 राशियों पर, 12 भावों पर पड़ेगा, पर वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग बता रहे हैं या जिस तरीके से हम समझ रहे हैं। पहले तो ये, इसे पॉजिटिव वे में लीजिए, फिर आप पॉजिटिव ही पाएंगे। आपने रामायण की एक चौपाई सुनी होगी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप अपने अंदर जो भावना रखेंगे बस वही पाएंगे केतु से और वही पाएंगे राहु से। तो आपको ये समझना है कि मेरी राशि पर केतु देवता की परिक्रमा शुरू हुई है, ये 18 महीने चलेगी, तो इस 18 महीने में मुझे कितनी उड़ान भरनी है, क्या क्या अधूरे काम पूरे करने हैं, कितना भागना है, कितना दौड़ना है, अब घर में नहीं बैठना है, क्योंकि केतु के पैर हैं, वह दौड़ाना चाहता है, वह आपको सक्सेस देना चाहता है और आपके अंदर में ऊर्जा देना चाहता है। खूब मेडिटेशन कीजिए, मौन कीजिए, यात्राएं कीजिए, चाहे वो यात्राएं राष्ट्र निर्माण के लिए की गई हो, आपके व्यापार के लिए की गई हो, या आध्यात्म के लिए की गई हो, पर हर यात्रा आपके लिए लाभ देने वाली होगी, लाभकारी रहेगी। खेत छुड़ाए खेत, जिस जगह से यह परिक्रमा चलेगी उस जगह के सुख को कम से कम
डेढ़ साल के लिए तो छुड़ा देगी या कम कर देगी। स्वाभाविक है, घर में आराम करने वाले व्यक्ति यदि डेढ़ साल तक भागते रहेंगे तो घर में बैठकर एसी की हवा खाने का सुख कहाँ मिलने वाला है। फिर तो बाहर की तपन ही आपका भाग्योदय करेगी। इस तरीके से उपाय देखिए, जब कभी चित्रा नक्षत्र आए, उस चित्रा नक्षत्र के दिन आपको एक उपाय करना है। और यदि ये चित्रा नक्षत्र ऐसे दिन आ जाए जिस दिन मंगलवार है, तो केतु का दिन मंगलवार पकड़ा गया है और चित्रा नक्षत्र का दिन भी मंगलवार है, तो उस दिन का जो राहु काल होता है, उस दिन के राहु काल में उपाय कीजिए। मंगलवार का जो राहु काल है शाम को 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का होता है। इस अवधि में आपको केतु का उपाय करना है। उपाय तो मंगल का भी करेंगे तो भी बल चित्रा का बढ़ेगा और इधर भी केतु का लाभ मिलेगा, और उपाय केतु का करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। पर हमने सीखा है और रिसर्च पर पाया है कि अशुभ चीजों का दान और अशुभ चीज को घटाना चाहिए, इसलिए केतु का दान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सतनजा, 7 प्रकार के अनाज धान्य, और एक होता है केतु के दान के अंतर्गत जो हवन सामग्री में आप चारु संविधा बनाकर हवन के लिए स्वाहा करने में उपयोग में लाया करते हैं, जिसके अंदर चावल होता है। तो ये जौ का जो दान है केतु के 7 के अंक के अनुसार, न्यूमरोलॉजी में केतु का 7 का अंक होता है और इसके बैठने की दूरी भी हमेशा राहु से 7वें स्थान पर होती है, और वर्तमान समय में 7वें नंबर की राशि पर तुला पर केतु का प्रवेश होने जा रहा है और रहेगा पूरा अक्टूबर 2023 तक। इसलिए 7 केजी आपको ये चाहे धान ले लीजिए 1-1 केजी के 7 प्रकार के, और चाहे फिर 7 केजी का आप यह जौ वाला उपाय कर लीजिए। और चित्रा नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़े उसके राहु काल में इसे आप बड़ी श्रद्धा के साथ में गणेश जी के सामने बैठकर या गणपति मंदिर में जाकर अपने ऊपर से उतारा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, केतु के देवता गणपति हैं, प्रार्थना कीजिए कि आपके सारे कार्य निर्विघ्न सफल हो और केतु देवता अति प्रसन्न हो। यदि कहीं हवन यज्ञ होने की व्यवस्था है तो वहां पर ही जौ का दान दीजिए, और कोई ऐसी जगह ना मिले जहां हवन यज्ञ आदि होते हैं तो फिर आप जल में इसे विसर्जित कीजिए। इसी प्रकार से ये 7 प्रकार के धान भी आप 2 तरह से उपयोग कर सकते हैं, एक तो जल में विसर्जन के हिसाब से, जहां अच्छा जल हो, जहां अच्छी मछलियां हो, और दूसरा जल के जीव जंतुओं को आपको खिलाते ना बने तो फिर पक्षियों को थोड़ा थोड़ा करके हर दिन डालना चाहिए ऐसी जगह पर जहां ज्यादा पक्षी हो। इस तरीके से आप महसूस करेंगे, इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। यदि कहीं सार्वजनिक भंडारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था चल रही हो, अनुष्ठान चल रहे हो, आध्यात्मिक आयोजन चल रहे हो, तो उन स्थानों पर भी इन चीजों को देकर पुण्य कमाइए। हमारे वेदों में भूत यज्ञ कहा गया है, भूत यज्ञ का अर्थ होता है प्राणी मात्र को भोजन देने की व्यवस्था करना। भूत यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है भूत प्रेत आत्माएं आदि और उनके उतारे नियम विधि विधान, नहीं, यह सब अंधविश्वास है, वेद इसे स्वीकार नहीं करते। पर वेदों में जो 4 यज्ञ कहे गए हैं उसे भूत यज्ञ महत्वपूर्ण है। ब्रह्म यज्ञ है जो मैं कर रही हूं आपके सामने इतने 30 सालों से, जो ज्ञान दान दे रही हूं सारे राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अंधेरे में दिया जलाने का काम करता है और ज्ञान दान देकर
अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। तो यह ज्ञान दान जो है ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। स्पिरिचुअल जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है, उनको धर्म की स्थापना के रूप में लेकर उनका ज्ञान फैलाना, ये ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत है। और अग्नि में, हवन में जो हम यज्ञ करते हैं, उसे अग्निहोत्र हो या बड़े पैमाने पर किया गया अनुष्ठान यज्ञ हो, उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। और ये जो हम राहु और केतु के लिए करने की बात कर रहे हैं, यह है प्राणी मात्र के लिए, मूक जानवरों और पक्षियों के लिए, जो अधीन है मनुष्यों के, उनके लिए दिया गया दान। जल में डालेंगे तो भी वह जीव जंतुओं को मिलेगा, भूमि में गाड़ेंगे तो भी भूमि के गर्भ में रहने वाले जंतु इसे खाएंगे, और यदि आप कहीं पर पक्षियों को डालेंगे तो असंख्य प्राणी पक्षियों का भरण पोषण होगा। तो इस तरीके से इसका पुण्य इसलिए डबल हो जाता है। और ये तुला वालों के लिए अति उत्तम मार्ग है। तो मैं वेदों के ज्ञान को इस समय आगे आपके लिए नहीं लेके जाऊंगी, पर मुझे अभी तुला राशि पर चल रहे राहु की परिक्रमा का पूरा आपको ज्ञान दान देना है। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों को चाहिए कि वे केतु मंत्र का जाप करें। वैसे तो पौराणिक केतु मंत्र है, पलाश पुष्प सम का सम तारा ग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रांध्रकम घोरम तम केतुवे प्रभाम्यम, पर हो सकता है ये मंत्र आपको कठिन लगे और आपके लिए उचित ना हो। पर लघु मंत्र भी और दो हैं, आप उनसे उतारा कीजिए, उनका उच्चारण कीजिए। केतु देवता के मंत्र में ओम केम केतुवे नमः, ये बहुत लघु मंत्र है, इसे बीज मंत्र कह सकते हैं। हमारा जब उतारा करें हम सतनजा से या जौ से या पूरे शरीर से, तो फिर उस समय इस उतारे को ध्यान में रखिए, मंत्र को बोलकर उतारे को कीजिए और उसे विसर्जित कीजिए मंत्र बोलकर। इसी प्रकार से केतु का एक दूसरा मंत्र भी है, ओम केतु देवताभ्यो नमः। ओम केतु देवताभ्यो नमः बहुत सरल मंत्र है, उसका भी उच्चारण करते हुए उतारा कर सकते हैं और दैनिक जाप में उसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अज्ञानतावश या ज्योतिष के अधूरे ज्ञान के नाम से इतनी पवित्र विद्या को गलत तरीके से प्रेडिक्शन देते हुए यह भी कहा कि आप यह उपाय कीजिए, यह उपाय कीजिए, कभी मंगल के उपाय, बुध के उपाय, गुरु के उपाय, ना जाने कोई चीज नहीं छोड़ी उपाय में जो राहु और केतु से संबंधित उपाय ना बताए हो। राहु केतु के उपाय थे नहीं वो, क्योंकि राहु और केतु का वो शहद से, गुड़ से, शक्कर से, जल से, ये सब से लेना देना कुछ भी नहीं था। जो सारे उपाय बताए जा रहे थे वो अलग अलग ग्रहों के उपाय बताए जा रहे थे, पर वो राहु और केतु की शांति के लिए बताए जा रहे थे। यह देखकर हंसी भी आती है और यह देखकर दुख भी होता है, और वह तो उन नक्षत्रों में कर रहे हैं तब तक ठीक है, पर आप हर समय हर पल वह उपाय करें, गुरु वाला या फिर मंगल वाला, और समय चल रहा है आपको केतु या राहु का, तो फिर यह असरकारी नहीं होगा। पेट का दर्द है तो पेट के दर्द की ही दवा लगेगी, बुखार की गोली काम नहीं करेगी। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सरस्वती का जाप करेंगे, लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना सही बात? तो समझना पड़ेगा। मुझे आप सब ज्ञानियों से बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए मैं चाहती हूं सत्य को सामने लाए। यदि मामला शनि का है तो शनि के ही उपाय होने चाहिए, मामला राहु या केतु का है तो सिर्फ उनके ही उपाय होने चाहिए। और नक्षत्र तो
बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। हमारे चिकित्सा शिविर में हम नाड़ी देखकर और नक्षत्र का समय देखकर कौन से नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है चिकित्सा किया करते हैं, तभी असाध्य व्यक्तियों को हम ठीक कर पाते हैं। असाध्य रोगों का निवारण बिना नक्षत्र की जानकारी के और बिना नाड़ी की जानकारी के, जिसे आप नाड़ियों में वात पित्त कफ की नाड़ी कह सकते हैं, इन दोनों की जानकारी के बिना किसी भी रोग को पकड़ना और जड़ तक जाना और उसे पूरी तरह से स्वस्थ करना, व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना मुमकिन तो नहीं लगता। आयुर्वेद में तो यह जरूरी है, इसलिए आपको केतु से संबंधित वस्तुओं के, केतु से संबंधित उपाय के लिए इस्तेमाल करते हुए केतु देवता की प्रसन्नता का लाभ उठाना है। तो भ्रांतियां कितनी टूटेंगी, केतु देवता आगे नहीं चलते, केतु देवता हमेशा पीछे चलते हैं। अभी तक 8 नंबर की वृश्चिक राशि पर थे तो अब 7 नंबर की तुला पर आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 को फिर यात्रा बदलेगी और वो कन्या पर यानी 6 नंबर पर चले जाएंगे। इस तरीके से पीछे 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 चलते हैं ये राहु और केतु ग्रह। इसीलिए काल सर्प दोष को हमेशा राहु की उल्टी चाल में देखा जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि केतु के इस महत्वपूर्ण समय में हमारे मन की एक बड़ी भ्रांति निकालनी है कि इस समय में कोई शुभ काम ना किए जाए। हमने देखा है, हमारा रिसर्च है कि जिनकी शादी ब्याह है लंबे समय तक के नहीं हो पा रही है, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कहीं रिश्ता टूटते टूटते हमने देखा है कि जिनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं लग पा रहे थे, वे इस समय शादी हो जाती है, रिश्ते लग जाते हैं, लोगों के घर बन जाते हैं, जो रुके हुए काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। बस ये है कि आपको केतु से संबंधित उपचार और केतु से संबंधित पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो इसलिए तुला राशि पर चल रहे गोचर परिक्रमा में, केतु देवता की परिक्रमा में बहुत सारे लाभ आप उठा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप समझें कि आपको किस समय क्या करना है। केतु देवता आपके चित्रा नक्षत्र पर है तो यह 6 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस आपको जो करना है वो कर डालिए। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर डालिए। और केतु देवता यदि स्वाति नक्षत्र पर है और आप राजनीति में हैं तो मैदान में आने से घबराइए मत, क्योंकि राहु का संबंध राजनीति से होता है और केतु देवता आपका साथ दे रहे हैं, राजनीति आपके लिए शुभ फल देगी। और यदि वो विशाखा नक्षत्र से परिक्रमा ले रहे हैं और आप विशाखा नक्षत्र वाले हैं तो जिस समय उनकी परिक्रमा विशाखा से चले अंतिम के 6 माह में आप धर्म आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए तैयारियां कीजिए और इस क्षेत्र से, स्पिरिचुअल लाइन से संबंधित सारे काम कीजिए। ये आपको उपायों के साथ में अंधविश्वासों का खंडन करते हुए आज हमने ज्ञान दान दिया। और अधिक जानकारी के लिए आपको सुभारती टीवी के उन प्रोग्रामों को देखना चाहिए जो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर डाले हुए हैं। पिछले 1 वर्ष से बहुत फेमस टीवी चैनल, आध्यात्मिक चैनल, जिसे आप राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण चैनल कह सकते हैं, सुभारती टीवी। इस पर सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभा श्री दीदी के साथ ये प्रोग्राम वह बनाकर हर शनिवार, हर रविवार दिखाते हैं। हर शनिवार को रात में 10 बजे और हर रविवार को रिपीट टेलीकास्ट सुबह 6:30 बजे आता है। इसके अलावा जितने भी साल में शनिदेव के त्योहार होते हैं और
जितने भी ऐसे अवसर होते हैं जैसे दीपावली के त्योहार आदि, उन सब अवसरों पर वो एक एक घंटे का एपिसोड एक्स्ट्रा दिखाते हैं